अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक है, चाहे फिर पॉट में हो या बालकनी में हो या फिर टेरिस पे, तो कुछ ऐसे बेसिक टूल्स हैं जिन्हें आप लेते हो तो ये गार्डनिंग आपके लिए और भी इजी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे छोटे पर काम के टूल्स के बारे में नो विद सुजाता के इस एपिसोड में। वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों ये है मेरा पार्सल और इसे ओपन करने के बाद मुझे मिले हैं 7 गार्डनिंग हेल्पफुल टूल्स और इन्हें मैं पिछले 6 महीने से यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इन हैंड ग्लव्स की। गार्डन में काम करने से पहले इस ग्लव्स को पहनने की आदत डाल लें, इसलिए नहीं कि आपको मिट्टी में काम करना है। मिट्टी में हाथों से काम करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि इसलिए कि डस्ट नाखूनों में चली जाती है और अगर आप लेडी है तो समझ सकते हैं कि नेल्स को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। तो ये ग्लव्स नेल के साथ साथ हाथों की स्किन को भी डैमेज से बचाती है जब हम गार्डनिंग करते हैं तब। इसकी क्वालिटी अच्छी है बट ये वाटरप्रूफ नहीं है, मगर इसका मटेरियल ऐसा है कि ये पानी से ख़राब नहीं होने वाला। यूज़ करने के बाद इसे सुखा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये 2 हैंड ट्रॉवल, एक बड़ा और एक छोटा। ये काफ़ी मजबूत है, इनकी क्वालिटी बहुत सही है। बिग हैंड ट्रॉवल की मदद से बगीचे में प्लांट्स लगाने और उन्हें अलग अलग जगह में ट्रांसप्लांट करने में मदद मिल सकती है। हैंड ट्रॉवल से पौधों के आसपास की मिट्टी को लूज करना ईजी हो जाता है। छोटी जगह के लिए स्मॉल हैंड ट्रॉवल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि छोटे पॉट्स या फिर अगर पौधों में गैप कम हो। इसका यूज़ छोटे प्लांट्स को उनकी रूट से निकालने के लिए किया जाता है और इससे 2 प्लांट्स के बीच की मिट्टी की गुड़ाई करना भी ईजी हो जाता है। इसका उपयोग टाइम टाइम पर करने से प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो है एक हैंड कल्टीवेटर और एक फोक। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और लगता नहीं है कि ये जल्दी ख़राब होंगे या डस्ट लगेगी। हैंड कल्टीवेटर की मदद से बगीचे की मिट्टी को ढीला करके उनमें बीज डालना ईजी हो जाता है। मिट्टी की गुड़ाई करने के साथ साथ इसका उपयोग मिट्टी से वीड्स निकालने और मिट्टी को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। और अगर आप घर पर ही फूड वेस्ट से ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं तो इस हैंड फोक का यूज़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, या फिर जब पॉट्स के लिए मिट्टी बना रहे हो तो ये हैंड फोक मिट्टी को मिक्स करने में मदद करता है। अगला टूल है ये हैंड वीडर। हैंड वीडर की मदद से बगीचे के वीड्स को निकालना इजी हो जाता है। इसकी छोटी सी खुरपी बगीचे में फैली हुई घास या वीड को जड़ से उखाड़ सकती है बिना प्लांट को नुकसान पहुंचाए। हैंड वीडर कांटेदार सिरे वाला एक छोटा उपकरण है जो बगीचे या गमले की मिट्टी में उगने वाले खरपतवार को खोदने के साथ साथ उनके जड़ों सहित हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और सबसे आखिर में है ये प्रूनर कटर। ये कटर काफ़ी मजबूत और काफ़ी शार्प है। इसका शेप भी अच्छा है। ये प्लांट्स के ब्रांचेस को कट करने के लिए काफ़ी सही है। इसका ब्लेड रस्ट प्रूफ है और इसमें एक सेफ्टी बटन भी है लॉक करने के लिए। इसका यूज़ वेजिटेबल हार्वेस्ट करने में और प्लांट्स को डिजायर्ड शेप में और अनवांटेड ब्रांचेस या स्टेम को कट करने में होता है। दोस्तों मैंने जो टूल किट यूज़ किया है वो 7 पीसेस का गार्डनिंग टूल किट है। आप अपने हिसाब से 2 पीस, 3 पीस या 4 पीस का कोई भी गार्डनिंग टूल किट ले सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो होप करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको यूजफुल लगा होगा। ऐसे यूजफुल इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के लिए नो विद सुजाता को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीक एक नए और यूजफुल प्रोडक्ट के साथ। टिल देन स्टे फ्रेश।